एफिड नुकसान के लक्षण और नियंत्रण के तरीके। एफिड्स रस चूसने वाले कीटों में से एक है जो कपास को प्रभावित करता है। अपरिपक्व वयस्क या एफिड्स के निम्फ अंडे के आकार के और पीले रंग के होते हैं। वयस्क अलग अलग रंगों में हल्के पीले से हरे या भूरे रंग के होते हैं। निम्फ और वयस्क दोनों पत्तियों की निचली सतह का रस चूस कर खाते हैं। एफिड से पीड़ित पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और मुड़ जाती हैं। गंभीर प्रकोप में ये झुलसा हुआ दिखाई देता है। प्रभावी कीट नियंत्रण के लिए जब कीट का स्तर ETL से नीचे हो या पहला लक्षण दिखाई दे तो उचित उपाय शुरू किए जाने चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। ये फूल डोरी और कलियों को भी प्रभावित करता है और गिरने का कारण बनता है। यदि पत्ती सिकुड़ने के अवस्था में कीट का नियंत्रण नहीं किया जाता है, एफिड्स शहद की तरह चिपचिपा जैसा पदार्थ स्रावित करता है जो पत्ती को चमकदार बनाता है और चिपचिपा फंगस विकसित करता है जिससे पत्ती का रंग काला हो जाता है, परिणाम स्वरूप उपज की हानि होती है। प्रारंभिक अवस्था में 60 ग्राम प्रति एकड़ फ्लोनिकामाइड या थियामेथोक्सॉम 40 ग्राम प्रति एकड़ का छिड़काव करें या सेफिना 280 मिली प्रति एकड़ का छिड़काव करें। ज्यादा जानकारी के लिए केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग से संपर्क करें। राशि सीड्स द्वारा किसान हित में जारी।